ब्रेक के बाद एक बार फिर बड़ी बहस में स्वागत है। आज का मुद्दा यही कि राजनीतिक नियुक्तियों में कांग्रेस तरजीह आखिर देगी किसे, खाटी कांग्रेसी नेताओं को या फिर नए कांग्रेसी नेताओं को। लेकिन इससे पहले एक सवाल प्रदेश अध्यक्ष पर भी बन रहा है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अगला चेहरा किसे जिम्मा सौंपा जाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। समन्वय सरकार और संगठन के बीच क्या ठीक है और नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए क्या बड़ी चुनौतियां, इन तमाम पहलू पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ तीन खास मेहमान और हमारे पॉलिटिकल एडिटर लगातार जुड़े हुए हैं, रामकेश मीणा जी कांग्रेस के विधायक, वीरेंद्र शर्मा जी बीजेपी के नेता और श्याम सुंदर शर्मा जी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजीत मेंदोला जी इस डिबेट में शामिल है। अजीत जी, हम चर्चा कर रहे थे कि सरकार और संगठन के बीच समन्वय कितना ज़्यादा अहम है और नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो कांग्रेस के अंदर तकरार दिख रही है, खासकर दोनों ही राज्यों के सिलसिले में समझना चाहूँगा मैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही राज्यों में ये बड़ी दिक्कत है कि अगला जिम्मा सौंपा किसे जाए और ऐसा चेहरा हो जो समन्वय बना सके। यही हिदायत दी थी और सभी बड़े नेताओं को यही कहना था कि हर प्रदेश में समन्वय कमेटी एक समिति बनाई जाए जिसका मुखिया प्रदेश अध्यक्ष होता है, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होता है और बैठ के वो सरकार और संगठन के बीच में तालमेल बनाने का काम करते हैं। ये सोनिया गांधी के निर्देश थे। वो कोऑर्डिनेशन कमेटी कब बनेगी ये देखना होगा, अभी किसी भी प्रदेश की कमेटी नहीं बनी है और आज ही अविनाश पांडे अपने एक तरीके से वही अध्यक्ष होंगे तो आज जाके उन्होंने जो बैठक ली उस बैठक का मुझे नहीं लग रहा कि कोई कोऑर्डिनेशन वो बिठा पाए, समन्वय बिठा पाए। पहली बात तो जैसे अभी श्याम सुंदर जी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी ने अलग करी और अब आज मुद्दा भले ही ठीक है वो कि 150 साल गांधी जयंती है 2 अक्टूबर से, वो वेणुगोपाल जी जो संगठन महासचिव है उन्होंने पूरा एक पूरा ब्यौरा पिछली बार दे दिया था और क्या क्या प्रदेशों में करना है ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और वो भले ही आज उन्होंने बोला कि हमने गांधी जी के उस पर जो कार्यक्रम होने उस पर चर्चा करी, लेकिन असल चर्चा यही थी कि कैसे समन्वय बिठाया जाए सरकार और संगठन में और लेकिन उसके बाद समन्वय बैठता दिख नहीं रहा है। सोनिया गांधी के सामने अब सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अब सचिन पायलट देखिए अभी वहाँ के उन्होंने जैसे बताया कि महिला कांग्रेस का मामला हो, यूथ कांग्रेस का, अग्रिम संगठनों के मुखिया भी हैं और मंत्री भी हैं और दो दो तीन तीन पद लिए हुए हैं कई नेताओं मंत्रियों ने, तो ऐसे में जो दूसरे कार्यकर्ता हैं दूसरे नेता हैं निश्चित तौर पर वो सवाल उठाएंगे कि एक जने के पास तो दो दो तीन तीन पद एक आदमी खाली है, तो ये एक बड़ा फैसला है, इसको सोनिया गांधी को बड़ी कड़ाई से लेना पड़ेगा। अब नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, देखिए दो तीन चीजें बातें निकल के आ रही हैं, एक तो कैबिनेट में रिसफल होगा, विस्तार होगा, कुछ जो लोग समर्थन दे रहे हैं पार्टी को या अभी नई पार्टी में आए उनको तो ये मंत्री बनाएंगे एक आध जने को, ये नहीं कि सब लोगों को बना देंगे लेकिन उसमें दो चार जो प्रमुख लोग हैं उनको मौका दिया जाएगा, कुछ लोगों को संगठन में ले जाया जाएगा, जो अभी मंत्री हैं हो सकता है उनको कुछ को संगठन में ले जाया जाए कि भाई आप संगठन में जाएं या दूसरे लोगों को मंत्री बना दिया जाए। अब जातीय समीकरण, बीजेपी ने जाट को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, अभी दोनों जो प्रमुख पद हैं ओबीसी के पास हैं, मुख्यमंत्री का उप मुख्यमंत्री का, अब सवाल ये है कि प्रदेश की कमान किसके पास जाएगी, तो निश्चित तौर पर किसी जाट नेता को आगे लाया जाएगा। दूसरा अब सवाल ये कि इसको कैसे बैलेंस किया जाए, तो हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री एक दो जने और बनाए जाए, वो कोई ब्राह्मण हो सकता है या कोई मीणा हो सकता है, ये सारी चीजें देखनी होंगी और इसमें संगठन में अगर जब भी बदलाव होगा नया अध्यक्ष जब सोनिया गांधी तय करेंगी तो हो सकता है कि जाति समीकरण को बिठाने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष एक दो कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जाए, तो ये सारी चीजें देखिए पार्टी तभी वहां पर या सरकार तभी काम कर सकती है जब एक व्यक्ति के पास पूरे अधिकार हों, एक व्यक्ति ढंग अपने हिसाब से फैसले करे। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अगर अशोक गहलोत को खुला हैंड दिया जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार फिर ठीक ठाक ढंग से काम कर सकती है, संगठन और सरकार के बीच समन्वय बैठ सकता है, लेकिन ये सारे फैसले किसको करने हैं, कांग्रेस आला कमान को, सोनिया गांधी को। और कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत ही आज तक पिछले 1.5 दशक में यही रही है कि कम केंद्र का नेतृत्व कभी भी फैसले समय पर नहीं कर पाया, टालने की जो नीति है कांग्रेस में कि इसको टाल दो, 6 महीने कट जाए, 6 महीने और कट जाए, 6 महीने और कट जाए, 6-6 महीने कर कर करके चुनाव आ जाता है और चुनाव में फिर वो हार जाते हैं तो एक दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ देते हैं कि साहब इसकी वजह से हार गए, वो अपनी लाइन को लंबा करना नहीं सीखती कांग्रेस। अब लोकसभा चुनाव हार गए तो कहने लगे साहब मोदी जी ने राष्ट्रवाद चला दिया, मोदी ने ये कर दिया, अरे भाई आपने अपनी रेखा लंबी क्यों नहीं खींची, लंबी रेखा खींचने का मतलब
आप ये गुणा भाग लगा रहे थे कि राजस्थान में 15 सीटें कम हो जाएंगी, उत्तर प्रदेश में 25 सीटें कम हो जाएगी। आपने अपने संगठन को मजबूत नहीं करा, आपने अपने संगठन में ध्यान ही नहीं दिया, और वही कांग्रेस फिर गलती कर रही है। उस गलती पे गलती, गलती पे गलती से अगर बीजेपी की नाकामियों से जो जीतने की कोशिश थी वो कामयाब हुई नहीं। हाँ, तो अभी भी अगर सोनिया गांधी ने कड़े फैसले या मतलब ठीक से फ्री हैंड देने की जो फ्री हैंड नहीं दिया और अगर कड़े फैसले नहीं किए तो कांग्रेस के लिए फिर दिक्कतें आनी आनी। रामकेश जी, मेरा सवाल इसी सिलसिले में कि क्या अशोक गहलोत जी को फ्री हैंड मिलेगा, मुख्यमंत्री के हाथ में फ्री हैंड होगा, क्योंकि एक अहम जिम्मा उनके साथ है और नंबर गेम भी राजस्थान में बहुत ज़्यादा अहम है, और इसके अलावा जो राजनीतिक नियुक्तियां होंगी उसमें उनका रोल एक अहम होने वाला है, और इन तमाम पहलुओं को अगर हम साथ लेकर आगे बढ़ें तो निकाय चुनाव सिर पर हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक तरफा शिकस्त दी है, उस एक तरफा शिकस्त से पार पाना होगा। जी, आपने अभी सुना अजीत जी जो कह रहे हैं कि निश्चित रूप से अशोक गहलोत साहब को फ्री हैंड मिलना चाहिए, और किसी प्रदेश के सूबे के मुखिया, क्योंकि सरकार उन्हें चलानी है और सरकार में किसको क्या हिस्सेदारी देनी है, पार्टी और संगठन में किससे काम लेना है, तो ये सारा का सारा जो जुम्मा है और जो अधिकार है वो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका विशेष अधिकार है। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही सुलझे हुए मजे हुए राजनेता हैं, अगर उनके पास ये जिम्मेदारी फ्री हैंड अगर उनको मिलता है तो निश्चित रूप से राजस्थान में सरकार बहुत ठीक से अच्छा काम करेगी और सत्ता और संगठन में तालमेल भी बन करके रहेगा, जैसा उन्होंने पहले करके दिखाया। पहले भी बहुजन समाज पार्टी के जो 6 लोग थे जिसमें मैं खुद शामिल था, हम लोगों को कांग्रेस में शामिल किया और सरकार बहुत स्पष्ट बहुमत के साथ में, अच्छे फैसलों के साथ में सरकार ने काम किया। तो मुझे अभी भी पूरा यकीन है कि मुख्यमंत्री जी सबसे मिलकर के आलाकमान को अपने विश्वास में लेकर के और सत्ता और संगठन में दोनों में तालमेल रख करके निश्चित रूप से राजस्थान में अच्छी सरकार देंगे, अच्छे फैसले करेंगे। ठीक है श्याम सुंदर जी, बीजेपी की स्थिति कांग्रेस से कितनी अलग है, हालांकि सत्ता में बीजेपी न हो लेकिन वहां पर भी गुटबाजी दिख रही है, अंदर खाने में बौखलाहट है, इसका असर कितना दिख रहा है? नरेंद्र मोदी या आपके अमित शाह या पार्टी है, मतलब यहाँ आज भी कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो कि कल दौरा करके आई है हवाई सर्वेक्षण करके, तो उन्होंने फिर भी वही तरीका अपनाया कि मैं उस हैसियत से जा रही हूँ, जैसे पहले आज मैं मान के चलता हूँ प्रदेश अध्यक्ष अगर दौरा करते हैं तो वो हैसियत नहीं दिखती जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की दिखती है, और वो अधिकारी को उसी लहजे में बात करती है जैसे पहले करती आई है। तो मैं मान के चलता हूँ कि संगठन में, वहां के संगठन में अगर दोनों के बीच में तालमेल नहीं रहा तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से सत्ता आते आते रह गई विधानसभा की, और जब उनको जब केंद्र ने अपने हाथ में सारी चीज ले ली, नरेंद्र मोदी ने पूरा चुनाव और अमित शाह ने लड़ा तो 25 की 25 सीटें जीते और वो अलग रह गए, तो मैं मान के चल रहा हूँ उनमें समन्वय की जरूरत है, और वो समन्वय कितना हो पाएगा वो तो आने वाले समय में बताएगा, क्योंकि समय कम है काम ज्यादा है वहां पर। लेकिन इसके विपरीत आप कांग्रेस को भी देखिएगा, कांग्रेस में मैं बार बार कहता हूँ जैसे अजीत जी कह रहे थे कि यदि सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री पद ग्रहण नहीं करते तो निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अच्छा काम कर सकते थे और पार्टी को दिशा निर्देश दे सकते थे, क्योंकि संगठन बड़ा होता है मुख्यमंत्री हमेशा छोटा होता है। यहाँ स्थिति ये बनी कि आपने मुख्यमंत्री की अधीनता स्वीकार कर ली, उनके रूप मंत्रिमंडल के रूप में शामिल हो गए, उसके बाद आपकी हैसियत जितनी प्रदेश अध्यक्ष की होनी चाहिए नहीं रही, आप बातचीत करते नहीं है कुछ वाले, अब निश्चित रूप से सोनिया गांधी जी ने कहा है तो कुछ बातचीत हुई, अब उसका असर कितना जाएगा वो तो आपके आने वाले राजनीतिक नियुक्ति में सामने आएगा। लेकिन सही बता दें, देखिए आप बहुत वरिष्ठ
विधायक मौजूद है इस मंत्रिमंडल में, पहले मंत्री रह चुके हैं, जैसे भरत सिंह कह सकते हैं, दीपेंद्र सिंह शेखावत कह सकते हैं, परशुराम मोटिया कह सकते हैं, राजेंद्र पारी कह सकते हैं, और बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मंत्री दो दो बार तीन तीन बार रहे हैं, वो आज विधानसभा में एक कोने में तीसरी लाइन में बैठते हैं और कुछ बोलते नहीं है। अब रामकेश जी भी पहले बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे, अभी कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ पाए, कांग्रेस से नहीं लड़े, इनको टिकट नहीं दिया, इसलिए निर्दलीय जीत के आए जी। अभी कह रहे मैं तो कांग्रेस ही हूँ। अरे आप जब पहले बीएसपी के थे, जब आपने पहले आराम से संसद से सचिव बन करके आपने सत्ता का सुख भोगा, फिर कांग्रेस क्यों छोड़ के गए, मुझे नहीं समझ में आता। और आप फिर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव जीत के आए और फिर कह रहे मैं तो सत्ता के साथ हूँ, अशोक गहलोत के साथ। कांग्रेस कांग्रेस हम छोड़ करके नहीं गए, कांग्रेस में आज भी सवाई माधोपुर जिले में मेरी बहू वहां से कांग्रेस की जिला प्रमुख है। आप कांग्रेस और हरा के आए, वो एक अलग चीज है। तो आप हम कैसे कह रहे हो कि साहब मैं तो कांग्रेस का हूँ, जान कांग्रेस के अनुरूप तो रहे नहीं, जान बूझ करके कांग्रेस के प्रत्याशी खुद कह रहे हैं। और पहले उसके बाद बीएसपी में थे, मैं मान के चलता हूँ बीएसपी वालों को, जैसे सचिन पायलट बार बार कह रहे थे कि हम निष्ठावान को दिलाएंगे, प्रतिष्ठित को दिलाएंगे, संघर्ष वालों को दिलाएंगे, दिलाओ कौन मना करता है, लेकिन आपकी कितनी चलेगी ये आने वाला, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास जी, मेरा ये कहना है रामकेश जी सुन लीजिए, मैं संगठन में कांग्रेस संगठन ने भी जो चुनावों में टिकट वितरण हुआ, टिकट वितरण में भी कई गलतियां रह गई, उसकी वजह से लोग रियाज ने यही बात कही जो आप कह रहे हो कि टिकट वितरण की तरह नियुक्तियां और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो जाए, क्योंकि हम फिर बाहर हो जाएंगे, बाहर रहेंगे। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आंतरिक विद्रोह की स्थिति कांग्रेस में है, अब उसके अंदर सोनिया गांधी का प्रभावी ढंग से किस प्रकार से प्रभाव दिखेगा वो तो देखिए। अविनाश पांडे इतने मजबूत प्रभारी नहीं है, अशोक गहलोत ने उनकी नियुक्ति की थी, अशोक गहलोत इतने संगठन महामंत्री रहे हो, वो सबको सब जानते हैं कांग्रेस में। अगर पहले की तरह प्रभा राव एक बार हुआ करती थी यहाँ पर प्रभारी, अशोक गहलोत के पीछे पीछे घूमना पड़ता था। आज प्रभारी जो है अविनाश पांडे, उसके पीछे मुख्यमंत्री नहीं घूमते, मुख्यमंत्री के पीछे वो घूमते हैं। तो मैं फिर बात के कर रहा हूँ कि संगठन को मजबूत कीजिएगा, और आपने जो आज घोषणा की है कि मंत्री बैठ करके कार्यकर्ताओं की सुनेंगे, और क्या होगा, ये पहली बार हुआ जो राहुल गांधी कह के गए थे 9 महीने बाद कांग्रेस ने अपनी मांग रखी है मुख्यमंत्री के सामने, तब एक मंत्री को रोज भेज देना जिससे कार्यकर्ताओं की सुनवाई कितनी हुई बात अलग है, लेकिन अच्छी परंपरा है, ठीक सुनना चाहिए बैठ कर। ठीक आप अभी तक जो चीज नहीं कर पाए जी, तो लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आए उसका विपरीत कैसे हो कि अभी आज फिर सवाल उठा दिया कि डायरेक्ट चुनाव मत कराओ, ये आपने प्रस्ताव पारित कर दिया, विधेयक किया है, अब क्या परिवर्तन होगा, तो बड़े विचित्र। ठीक है ठीक है विनय जी, मेरा सवाल आपसे है, लोकसभा चुनाव बीजेपी नरेंद्र मोदी की चेहरे पे, नरेंद्र मोदी की चेहरे और अमित शाह की जो संगठन की काबिलियत थी उसके बलबूते राजस्थान में जीते, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन निकाय चुनाव में जो स्थानीय नेता होंगे, स्थानीय नेताओं के साथ साथ स्थानीय संगठन है राजस्थान का, उसके ऊपर जिम्मा होगा, और जब स्थानीय संगठन पर जिम्मा आता है तो हमने विधानसभा के चुनाव का नतीजा देखा था। सवाल ये वसुंधरा जी की क्या भूमिका रहेगी, हाँ उसमें क्या भूमिका, मुख्यमंत्री वसुंधरा जी की क्या भूमिका रहेगी। सही बात है जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का सांगठनिक संरचना इस प्रकार की है कि वह शुरुआत से ही मजबूत था, आज भी मजबूत है और भविष्य में भी मजबूत रहेगा। तो संगठन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, और निश्चित रूप से आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में भी हमारे स्थानीय चेहरे, हमारा स्थानीय संगठन प्रभावी रूप से कार्य करेगा, और वसुंधरा जी राजस्थान की यशस्वी नेता है और भारतीय जनता पार्टी का फेस रही है, तो निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में हम पुनः चुनाव लड़ेंगे। ये तो पुनिया जी के या वसुंधरा जी, पुनिया अभी तो अध्यक्ष आपके पुनिया जी हैं, नहीं नेतृत्व तो अभी वसुंधरा जी करेंगे आप जी। देखिए सतीश पुनिया जी हमारे संगठन अध्यक्ष हैं और एक कार्यकर्ता 35 वर्ष की कठिन मेहनत के बाद एक कार्यकर्ता पार्टी का अध्यक्ष बना, तो जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में, हमारे कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार का जोश और उत्साह है, निश्चित रूप से वह जोश और उत्साह जिस प्रकार के लोकसभा चुनाव में परिणाम में नजर आया, वही निकाय चुनाव में परिणाम में नजर आएगा। ठीक है जी, मेरा सवाल आपसे है, बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल है, खास करके राजस्थान में सांगठनिक जो स्तर पर निकाय चुनाव आगे हैं, लोकसभा चुनाव में जैसा जिक्र हमने किया कि मोदी और शाह के बलबूते बीजेपी जीती है, लेकिन अब राजस्थान बीजेपी के ऊपर जिम्मा है।
नहीं देखो, बीजेपी के पक्ष में जो सबसे बड़ी बात ये जाती है कि उनका केंद्रीय नेतृत्व बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है। मतलब वो इतना ताकतवर है कि स्थानीय निकाय के चुनाव तक पर असर डाल सकता है। कांग्रेस के पास उसकी कमी है। आज अगर बीजेपी तय कर ले कि उसको स्थानीय निकाय चुनाव जीतने हैं वहाँ पर, तो वो उसमें अमित शाह मोदी मैदान में उतरने में देरी नहीं करेंगे। वो कतई इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, वो चुनाव जीतने की उनकी एक नीति रहती है। अगर नहीं तो वहाँ पर अगर आज जो राजस्थान में बीजेपी की स्थिति कांग्रेस से अलग नहीं है, बिल्कुल कांग्रेस वाली स्थिति में है आज बीजेपी वहाँ पे। इन जो मजबूत केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने आप देखें कि उन्होंने वहाँ पर एक नया नेतृत्व तैयार कर दिया प्रदेश में। पूनिया तो बने ही बने हैं अध्यक्ष, गजेंद्र सिंह शेखावत और ओम बिरला, तीन नेता वहाँ पर तैयार कर दिए हैं। तो वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं, अब जो वसुंधरा राजे का कद पहले था, कहीं ना कहीं वो कद अब पहले वाली बात नहीं रहेगी। आप देखेंगे अब जो नया इनकी जब नई इकाई बनेगी, कई सारी चीज़ें हैं जो ताकतवर नेता हैं, चाहे राठौर रहे हों, चाहे जो इनके टाइम पे बड़े बड़े मंत्री श्रीचंद कृपलानी, किरण माहेश्वरी, जो संगठन में कभी बड़े पदों में रहे हैं, आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो साइड होते जा रहे हैं। तो वहाँ पर भी इस वक्त नए और पुरानों का झगड़ा है बीजेपी के अंदर। लेकिन बीजेपी में अच्छी बात क्या है कि बीजेपी का जो दिल्ली का नेतृत्व है वो इतना ताकतवर है कि कोई चूं चपट नहीं करेगा, कोई खिलाफ नहीं बोलेगा। और जो कांग्रेस में तो क्या है कि कांग्रेस में रामराज है, आप जो मर्जी करो, जो मर्जी बोलो, दिल्ली का नेतृत्व इतना कमजोर है कि वो कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं रहता है, ना वो कुछ ऐसा एक्शन ले पाता है कि जो नेता डर जाए। लेकिन बीजेपी में अगर किसी ने चू चपट करा, कुछ भी करा, तो वो दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व इतना मजबूत है कि वो नेता चाहे कितना ताकतवर है अपने प्रदेश के अंदर, अगर इन्होंने तय कर लिया कि अब इसको नहीं आगे बढ़ना है, तो वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएगा, कुछ ज्यादा कर नहीं पाएगा। तो इसलिए जो दिल्ली का मजबूत नेतृत्व है बीजेपी में, उसकी वजह से बीजेपी जो प्रदेशों में जो झगड़े हैं, फसाद हैं, गुटबाजी हैं, खींचतान हैं, वो दबके रह जा रही हैं। अब उन्होंने नई टीम तैयार कर दी है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी कर दी है, वो धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि अब जो वहां पर अभी तक नेता रहे हैं वो धीरे धीरे अब लुप्त होते जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। कांग्रेस में इसलिए कांग्रेस पिछड़ रही है कि कांग्रेस का अगर दिल्ली का नेतृत्व दमदार होता तो शायद कांग्रेस की आज ये स्थिति नहीं भी होती। ठीक है मीना साहब, मेरा सवाल वही है कि जो बीजेपी के अंदर एक काबिलियत सी कह लीजिए या माइलेज कह लीजिए बीजेपी के पास है कि वो हर प्रदेश में नई जनरेशन के नेताओं की एक श्रृंखला खड़ी कर देती है, नए नेताओं को वहाँ पर जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं, उनके क्षमताओं को भी बढ़ाया जाता है, कांग्रेस में इस बात की दिक्कत दिखती है क्या? कांग्रेस में तो भानुमति ऐसा नहीं है, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, कांग्रेस में जो फैसले होते हैं वो सबसे मिलकर के बातचीत करके और समन्वय में बनाने के बाद फैसले होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो अलग तरीके का चरित्र है, वहां पर जो फैसले हैं वो एकीकृत फैसले हैं, एक व्यक्ति वहां से फैसला कर रहा है, दो व्यक्ति फैसला कर रहा है, ऐसा नहीं है। हाई कमान जो फैसला हमारे कांग्रेस में कर रही है तो वो भी सब प्रदेश के नेताओं से बातचीत करके उन सबकी राय जानने के बाद में फैसले ले रही है। तो आपको मीडिया को ऐसा लग रहा है कि कोई फैसले लेने के लिए एक परिवार के फैसले होते हैं, लेकिन फैसले फैसला आप समझ रहे हैं कि एक परिवार के फैसले होते हैं बनाने के बाद हो रहा है, इसीलिए उसमें देरी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई फैसला होने में देरी, कोई जानबूझ करके देरी की जा रही है। लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते सबकी राय को तवज्जो देना, सबसे बातचीत करके फैसले लेना, ये कांग्रेस की हिस्ट्री रही है, कांग्रेस का इतिहास रहा है और कांग्रेस ने बहुत लंबे समय से शासन किया, सब जानते हैं वो किस तरह सभी सही समय पर सही फैसला लेंगे। ठीक है श्याम सुंदर जी बताएंगे क्यों। श्याम सुंदर जी आप ये ठीक कह रहे हैं, रामकेश मीणा जी आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानकार हैं, आप बताएं। अजीत जी क्योंकि रामकेश मीणा जी तो सपने देख रहे हैं ना, अभी तो देखिए रामकेश मीणा जी को तो ये सब कुछ कहना है कि निर्दलीय होने के बाद भी आज भी अशोक गहलोत के भक्त हैं पूरे, इनको पता है आने वाले समय में अशोक गहलोत कुछ दे पाता है, प्रदेश अध्यक्ष के पक्ष में नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी। आपका युवा नेता था, आपने उसको पूरे 5 साल उपयोग में किया, आपने उसको मुख्यमंत्री पद नहीं दिया,
और उसका परिणाम यह रहा कि देखिए अगर मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्रिमंडल बनने में कितना समय लगा आप बता दिए, मुख्यमंत्री दोनों बनने में टाइम लगा, उसका कारण यह था कि आपस में संबंध में नहीं था। अब संबंध में नहीं था उसी का परिणाम यह रहा कि आप कैबिनेट की बैठक नहीं कर पाते, इतने दिन तक नहीं हुई तो आप बता दीजिएगा। आज स्थिति देखिए कांग्रेस में जिस प्रकार की भी हो, क्योंकि अशोक गहलोत ने 6 लोगों को उन लोगों को शामिल करा दिया जो कि बीएसपी के थे, बीएसपी को खत्म कर दिया, क्योंकि आने वाले जब चुनाव होंगे आपके शहरी निकाय के और फिर पंचायत के चुनाव में अगर वो विधायक बीएसपी के रहते तो बीएसपी के पक्ष में बोलना पड़ता। माहौल अलग बीएसपी के लोगों से, बीएसपी के लोगों से किसी ने कोई सवाल, बीएसपी वाले खुद खुद कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जान वो अपनी मर्जी से शामिल हुए। तो लीजिए मेरा राम जैसी आप भी कह रहे हैं बार बार, आप बीएसपी के लोगों को शामिल करके आप हाईकमान को संदेश दे दिया ना उन्होंने कि मैं अपनी पार्टी में तो हूँ, बाहर की पार्टी को लाकर भी कांग्रेस को मजबूत कर रहा हूँ। आज सचिन पायलट बार बार कह रहे हैं कि देखिएगा कि वो निस्वार्थ भाव से आए हैं, उन्होंने पद की लालसा नहीं की है। तो मैं तो कह रहा हूँ राम के जी आप भी घोषणा कर दो कि आप भी पद नहीं लोगे और बीएसपी वाले भी कोई पद नहीं लेंगे। हम लोग भी हम लोगों ने निर्दलीय लोगों ने भी बिना शर्त के समर्थन दिया और बीएसपी वालों ने भी बिना शर्त समर्थन दिया। अब किसको लेना किसको नहीं लेना ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। लेकिन राम के जी कहना यही पड़ता है निस्वार्थ भाव से आए कोई पद नहीं लेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में निश्चित रूप से इनको पद भी दिया जाएगा और इनको तरजीह भी दी जाएगी। इसलिए कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक पुराने कहते हैं अब हमारी कुछ नहीं होगी, हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बाहर के लोग हमारी पार्टी में जो आ गए हैं अब बाहर के लोग है ही नहीं ना। आप बाहर के लोग बता रहे हो श्याम सुंदर जी, बाहर के लोग मत बताओ, ये बीएसपी वाले भी बाहर के नहीं है, निर्दलीय निर्दलीय भी बाहर के नहीं है। देखो राकेशी मैं तो कहना नहीं चाहता, बहुत सारे वरिष्ठ विधायक है वो कहते हैं रखेलों की ज्यादा पूछ होती है, जैसे आपने शादी कर बाहर के लोग नहीं है, ये सब कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं सब। आने वाले समय में देखिए संतुष्टि करने मतलब इन लोगों ने कांग्रेस नहीं छोड़ी, कांग्रेस ने इन्हें छोड़ दी थी ये कहना चाहते हैं मीना साहब। अजीत जी मेरा सवाल आपसे है, सिंधिया नंबर 2 के तौर पर देखे जाते हैं मध्य प्रदेश में और राजस्थान में नंबर 2 पायलट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सिंधिया की शख्सियत और पायलट की शख्सियत बिल्कुल अलग सी है। पायलट सचिन पायलट का खेमा अगर खुश नहीं हुआ, जिस तरह से बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, अगर वो संतुष्ट नहीं हुआ, इसका असर राजस्थान में किस तरीके से देख सकता है? नहीं देखिए राजस्थान में देखो चिंता की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, चिंता की बात है, लेकिन अभी देश की जो हालत है, देश का जो माहौल है, कांग्रेस के जीते हुए विधायक जानते हैं कि अगर जरा सा भी कुछ उल्टा पुल्टा होता है या 19-20 हो जाता है तो कोई गारंटी नहीं कि दोबारा चुनाव जीत के आएंगे, ये एक बिल्कुल पक्की बात है। क्योंकि बीजेपी ने और जो अभी अनुच्छेद 370 का मामला किया है, कश्मीर में अनुच्छेद 370 को ख़त्म किया है, उसके बाद इस समय इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि देश में इस समय बीजेपी की लहर है। और अभी जिस तरह से अयोध्या के मामले को लेकर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे बड़ी उम्मीदें बीजेपी को दिख रही कि वहाँ मंदिर बन जाएगा। तो बीजेपी के जो भली आम जन से आम जन परेशानी में है, इनकार नहीं कर सकते, महंगाई है और कई तरह की दिक्कतें हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का क्या है कि विपक्ष उन मुद्दों को उठाने के बजाय जो बीजेपी एजेंडा सेट कर रही है उसमें उलझता है। आज किसी को इस बात का कोई आंदोलन सड़क पे नहीं उतर रही है कांग्रेस। सोनिया गांधी ने कहा एक मीटिंग करी कि आप आंदोलन करिए, तारीख तय कर दी 15 अक्टूबर। आपने कल से क्यों नहीं शुरू करा आंदोलन? सवाल ये आपने कल से क्यों नहीं करा? आप बैठे ना दिल्ली में जंतर मंतर पर, बैठ जाएं क्या कहते हैं बेमियादी धरने पर। ना तो राहुल गांधी वो में वो क्षमता है, ना प्रियंका गांधी में, ना सोनिया गांधी वो कर सकती, वो तो बेचारी अब अस्वस्थ भी रहती है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर बहुत हो गया है। तो आज सारे MLA विधायक जानते हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे राजस्थान के हों, कांग्रेस के, बीजेपी के तो मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के विधायक ही जानते हैं, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तो सब जानते हैं कि भाई अगर दोबारा चुनाव होता है तो कोई गारंटी नहीं है कि आप जीतेंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कोई बड़ा फैसला कोई कई चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो या राजस्थान का मामला हो कोई करेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। केवल दिल्ली को दिखाना होगा, कुछ कड़े फैसले करने होंगे, कुछ निर्देश देने पड़ेंगे कि भाई आप मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी आप सरकार चलाओ, आपकी पसंद का हमने संगठन का आदमी दे दिया है,
राजस्थान में भी कहना पड़ेगा हालांकि दिल्ली को कि आप गहलोत जी आप मुख्यमंत्री हैं, आपका आदमी ये प्रदेश अध्यक्ष बन गया है, अब आपको किसी को मुख्यमंत्री बनाना है, मंत्री बनाना है, आप जानो हमें 5 साल में एक अच्छा काम अच्छी सरकार चला के दिखाओ और हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर कांग्रेस वाला का मान ने ऐसा फैसला नहीं किया तो देखिए हर आदमी अपनी राजनीति को मजबूत दिखाता ही है। सचिन पायलट जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, उनको भी कहीं ना कहीं अपने समर्थकों को ये मैसेज देना होगा, मैसेज देना पड़ेगा भाई मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं बोलने में बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। तो लेकिन पायलट और सिंधिया जैसे नेताओं की कांग्रेस अभी फिलहाल सुनने का रिस्क ले सकती है क्या? मैं वही कह रहा हूँ कि अभी आज के दिन में जो माहौल है, जो परिस्थितियां हैं, उनमें मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह के का कोई उनको सुनने की का खतरा अभी लें, क्योंकि अभी हालात कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। तो इसलिए अभी जो भी होगा वो बड़ा सोच समझ कर कांग्रेस आलाकमान को फैसला करना होगा और मुख्यमंत्रियों को मेरा मानना चाहे मध्य प्रदेश हो राजस्थान हो खुला हैंड देना पड़ेगा उनको, उनके हिसाब से चला या तो आप बदल दो दोनों को, अगर आपको लगता है दोनों ठीक नहीं तो बदल दो, नहीं तो आप उनको खुला हैंड दो वहां पर, ये माहौल आपको ये चीजें खत्म करनी पड़ेंगी कि भाई ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं सड़कों पे आ रहे, मध्य प्रदेश में तो सड़कों पे आ गए, एक दूसरे पे आरोप लग गए, राजस्थान में अभी कम से कम सड़क पर नहीं आ रहे हैं, केवल मीडिया के सामने बयानों से ही दिख रहा है कि हाँ भाई खींचतान है। तो ये कांग्रेस को सोनिया गांधी को देखना होगा कि वो क्या फैसला करती है। अविनेश जी आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा, जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के संगठन के अंदर ये चीजें दिख रही हैं और कैबिनेट बैठकें नहीं हो पा रही है, सारी दिक्कतें जो दिख रही है, इससे सरकार के कार्य करने पर कितना असर पड़ रहा है? राजस्थान, हाँ राजस्थान, माफी चाहूंगा जी। देखिए चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, दोनों की जगह विकास कार्य अवरुद्ध हो चुके हैं। संगठन में कांग्रेस के संगठन और सत्ता में समन्वय का बहुत अभाव है और इसके परिणाम भी राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश, दोनों जगह जनता को भुगतने पड़ रहे हैं। आज स्थिति यह हो गई कि महिला अपराधों में 66% की वृद्धि हो गई है, दलित अपराध निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। एक शांत रहने वाले राजस्थान में आज इस प्रकार की अशांति का माहौल बन चुका है कि जनता त्रस्त हो चुकी है, लेकिन जनता किसकी तरफ देखे? जब कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई सामने आ रही तो जनता को भी समझ में आ चुका कि यह पार्टी कभी भी प्रदेश की भलाई नहीं कर सकती। ठीक है, अब सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और बड़ा पहलू यही है कि समन्वय सरकार और संगठन के बीच जब तक कांग्रेस में नहीं दिखेगा, चाहे वो राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश में, तब तक नंबर गेम के लिहाज से हो या फिर सरकार के कार्य करने की क्षमता के लिहाज से, दोनों लिहाज से ये पहलू बेहद ज्यादा अहम दिखते हैं। चर्चा में इतना ही, इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी।